अपना क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिच्छू है, ना कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे कल लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। ये वो समय था जब भारत में चारों तरफ बेरोजगारी, भूखमरी, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार जैसी तमाम समस्याएं फैली हुई थी। देश के युवा एक अदद नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे थे। भारी भरकम डिग्रियों के बावजूद वो दो जून की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे थे। और उधर देश के कुछ पूंजीपतियों और धनाढ्य लोगों के यहाँ नित नए महफिलें सज रही थी, जिनमें शराब और शबाब का नंगा नाच हो रहा था। इन सब चीजों को देखकर एक भारतीय फिल्मकार की आत्मा से कचोट रही थी कि तुम कब इस पर आवाज उठाओगे, कहाँ गई वो तुम्हारी देशभक्ति जिसने शहीद और उपकार जैसी फिल्में दी। ऐसे में उस फिल्मकार ने अपना कलम उठाया और लिख डाला साल 1974 की वो फिल्म जिसने गरीबों के लिए रोटी कपड़ा और मकान की पैरवी की। विशाल इंटरनेशनल प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन, लेखन व संपादन किया था मनोज कुमार ने। तकरीबन 2 घंटे 41 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 18 अक्टूबर 1974 को, तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, शशि कपूर, मौसमी चटर्जी, प्रेम नाथ, धीरज कुमार, कामिनी कौशल, अरुणा ईरानी, मदन पुरी, सीएस दुबे, रजा मुराद आदि। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान अपने कर्णप्रिय गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिनके बोल लिखे थे वर्मा मलिक और संतोष आनंद ने, तथा धुन तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी ने। फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे हाय हाय ये मजबूरी, और नहीं बस और नहीं, पंडित जी मेरे मरने के बाद, महंगाई मार गई, और मैं ना भूलूंगा गीत के 2 वर्जन। फिल्म के इन सुमधुर गीतों में अपनी आवाज दी थी लता मंगेशकर, मुकेश, महेंद्र कपूर, जानी बाबू और नरेंद्र चंचल ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म रोटी कपड़ा और मकान साल 1974 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1,30,00,000 रुपए, तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 5,25,00,000 रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म चोर मचाए शोर, जिसने 3,00,00,000 रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म दोस्त, जिसने 2,50,000 रुपए कमाए और यह हिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, मनोज कुमार साहब ने इस फिल्म की परिकल्पना 60 के दशक के उत्तरार्ध में ही शुरू कर दी थी। उन दिनों वो निर्माता निर्देशक एस राम शर्मा की फिल्म यादगार में काम कर रहे थे, और इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान उनसे 2 ऐसे न्यू कमर मिले जिन्हें मनोज कुमार ने अपने होम प्रोडक्शन की आगामी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में काम देने का वादा किया। ये दोनों न्यू कमर थे अमिताभ बच्चन और असिस्टेंट डायरेक्टर वीरू देवगन, जिन्होंने आगे चलकर अपने अपने क्षेत्र में खूब नाम कमाया। बताता चलूं कि जिन दिनों मनोज कुमार से अमिताभ बच्चन की मुलाकात हुई थी, उस वक्त इन्हें फिल्म साथ हिंदुस्तानी के लिए साइन नहीं किया गया था। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म के रिलीज होने तक अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर रिलीज हो चुकी थी, और अमिताभ को लोग एक सशक्त अभिनेता के तौर पर जानने लगे थे, लेकिन अब भी इन्हें एक बड़े स्टार के तौर पर प्रसिद्धि मिलनी बाकी थी। यही कारण रहा कि फिल्म के पोस्टर्स आदि में अमिताभ को काफी कम जगह मिली, परंतु 10 सालों बाद जाकर 1984 में जब इसी फिल्म को रिलीज किया गया, तब तक अमिताभ बच्चन की स्टार वैल्यू फिल्म के लीड हीरो मनोज कुमार साहब से भी ज्यादा हो गई थी। और इसका नतीजा यह देखने को मिला कि अब की जो फिल्म के प्रमोशनल पोस्टर्स छपे, उनमें अमिताभ बच्चन को अन्य एक्टर्स के मुकाबले काफी बड़ी जगह दी गई, यद्यपि फिल्म में बामुश्किल वो 3-4 दृश्यों में ही नजर आए थे। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के छोटे रोल को लेकर उनकी पत्नी जया बच्चन ने उन दिनों यह कहा था कि मनोज कुमार ने इसमें अमित की अभिनय क्षमता का भली भांति उपयोग नहीं किया, उन्हें फिल्म में अमित को और स्क्रीन स्पेस देनी चाहिए थी। इस पर मनोज कुमार साहब की प्रतिक्रिया आई थी कि एक अभिनेत्री होकर जया बच्चन का यह बयान आश्चर्य में डाल देता है, क्योंकि एक कलाकार को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए बहुत देर तक पर्दे पर नजर आना जरूरी नहीं, बल्कि वो कुछ ही सेकंड में ऐसा जादू कर सकता है जिसे लोग वर्षों तक भूल नहीं पाएंगे। बहरहाल बात जो भी हो, पर यह अमिताभ बच्चन और मनोज कुमार साहब की पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। वैसे
आप जया बच्चन और मनोज कुमार के इन बयानों के अनुसार किन्हें सही मानते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5, अमिताभ बच्चन और इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूं है कि जिस दिन पहली बार अमिताभ बच्चन को इसकी शूटिंग के लिए बुलाया गया ठीक उससे पहले रात को इनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन की शादी थी। ऐसे में अमिताभ शादी के विभिन्न इंतजामों में रात भर व्यस्त रहे और सेकंड भर के लिए भी सो नहीं पाए। अगली सुबह अमिताभ बच्चन देर हो जाने के चलते भागे भागे स्टूडियो पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो अभी तक कोई एक्टर तो छोड़िए बल्कि जूनियर स्टाफ तक नहीं पहुंचा था। दरअसल अमिताभ शूटिंग के लिए तयशुदा समय से एक घंटा पहले पहुंच गए थे। हालांकि इस बात से यह पता अवश्य चलता है कि अमिताभ अपने समय के कितने पक्के और काम को लेकर कितना गंभीर इंसान है। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के लीड एक्ट्रेस जीनत अमान, अमिताभ बच्चन, असिस्टेंट डायरेक्टर चंद्र बारोट और सिनेमेटोग्राफर नरीमन ईरानी के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। ये चारों अक्सर शूटिंग के बाद खाली समय में एक साथ बैठकर खूब गप्पे मारते और एक दूसरे का जी बहलाते। लेकिन कुछ ही समय बाद सिनेमेटोग्राफर नरीमन ईरानी ने इनके साथ उठना बैठना छोड़ दिया और अकेले ही गुमसुम रहने लगे। यह देखकर बाकी तीनों को बेहद आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति कल तक हमारे साथ बैठकर ठहाके लगाया करता था आखिर वो अब इतना अलग थलग क्यों रहने लगा है। ऐसे में तीनों ने नरीमन ईरानी से इसका कारण जानना चाहा। शुरू में नरीमन इस बाबत कुछ भी कहने से इनकार करते रहे, लेकिन जब तीनों ने उनसे आग्रह करना जारी रखा तो उन्होंने बताया कि मैं काफी कर्जे में हूँ और यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। दरअसल उन दिनों नरीमन ईरानी ने बतौर निर्माता जिंदगी जिंदगी नामक एक फिल्म बनाई थी जो कि बुरी तरह फ्लॉप रही, नतीजन इन पर भारी कर्जा चढ़ गया। बहरहाल जब तीनों को पता चला तो उन्होंने नरीमन ईरानी से कहा कि आप एक और फिल्म बनाइए ताकि उसके कमाई से आप कर्ज मुक्त हो सकें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम आपकी उस फिल्म में काम करने के लिए शुरू में एक भी पैसा नहीं लेंगे। इस तरह से नरीमन ईरानी ने एक और फिल्म शुरू की जिसमें नायक नायिका बने अमिताभ बच्चन और जीनत अमान और निर्देशन की जिम्मेवारी संभाली चंद्र बारोट ने। जी हाँ, यह फिल्म कोई और नहीं बल्कि साल 1978 में आई डॉन थी जिसने कामयाबी के कई इबारतें लिखी। फैक्ट नंबर 7, फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में जीनत अमान के द्वारा निभाई गई मुख्य नायिका की भूमिका के लिए मनोज कुमार ने शुरू में शर्मिला टैगोर से संपर्क किया था, लेकिन शर्मिला जी जब फिल्म की कहानी सुनी तो उन्हें मुख्य नायिका की भूमिका के मुकाबले मौसमी चटर्जी के द्वारा निभाई गई सहायक नायिका की भूमिका ज्यादा पसंद आई और उन्होंने मनोज कुमार से कहा कि उन्हें मौसमी वाली भूमिका दी जाए। मनोज कुमार उस रोल के लिए मौसमी जी को पहले ही साइन कर चुके थे, ऐसे में उन्होंने इस बदलाव के लिए मना कर दिया। खैर, शर्मिला टैगोर के बाद मनोज कुमार ने यह रोल स्मिता पाटिल को देना चाहा, लेकिन स्मिता जी ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अभी वो फिल्म में काम करना नहीं चाहती। बहरहाल इसके बाद मनोज कुमार अपने तीसरे और अंतिम विकल्प जीनत अमान की तरफ बढ़े जो कि देव आनंद साहब की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के बाद काफी लोकप्रिय हो गई थी। फैक्ट नंबर 8, जीनत अमान की ही तरह शशि कपूर भी फिल्म की पहली पसंद नहीं थे। दरअसल इस रोल के लिए शुरू में मनोज कुमार ने नवीन निश्चल से संपर्क किया था। हालांकि नवीन निश्चल का इस फिल्म को छोड़ने का फैसला गलत साबित हुआ क्योंकि साल 1974 में आई बतौर सोलो हीरो उनके तीनों फिल्में वो मैं नहीं, पैसे की गुड़िया और निर्माण बुरी तरह से फ्लॉप हुई। ऐसे में अगर उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान को ठुकराया नहीं होता तो कम से कम साल की सबसे बड़ी फिल्म का हिस्सा बनकर वो लाइमलाइट में बने रहते। फैक्ट नंबर 9, फिल्म के लोकप्रिय गीत हाय हाय ये मजबूरी को मनोज कुमार शुरू में मौसमी चटर्जी पर फिल्माने वाले थे, लेकिन इस गाने के झूले वाले स्टेप्स करना और बारिश में भीगना मौसमी जी के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि उन दिनों वो प्रेग्नेंट थी। ऐसे में मनोज कुमार ने फिल्म में जीनत अमान और खुद के लिए एक अन्य सिचुएशन बनाया और इस गाने को प्रयोग किया। फैक्ट नंबर 10, कहानी के मांग के अनुसार फिल्म में मौसमी चटर्जी पर एक रेप सीन फिल्माया गया था जिसकी शूटिंग के लिए उन्हें काफी पीड़ा से गुजरना पड़ा था। दरअसल इस सीन की शूटिंग के दौरान उन्हें आटे में लोटते हुए दिखाया गया और हड़बड़ी में यही आटा उनके मुंह में चला गया जो कि तत्काल उस वक्त तो समस्या नहीं बना लेकिन अगली पूरी रात उन्हें उल्टी करते हुए बिताना पड़ा था। फैक्ट नंबर 11, प्रेमनाथ जो कि इस फिल्म में एक सरदार की भूमिका में दिखे थे उन्हें किसी से पता चला कि एडिटिंग में उनके कई दृश्य काट दिए गए हैं। ऐसे में वो मनोज कुमार पर काफी क्रोधित हुए और उनसे मिलने जा पहुंचे। मनोज कुमार ने उन्हें बड़े प्यार से बिठाया और समझाया कि मैंने फिल्म के उन्हीं दृश्यों को काटा है जिनके कटने से कहानी पर कोई फर्क ना पड़े और फिल्म की लंबाई भी कम हो जाए। इसके बाद मनोज कुमार प्रेमनाथ जी को लेकर स्टूडियो गए और उन्हें पूरी फिल्म दिखाई जिसके बाद प्रेमनाथ जी की नाराजगी कम हुई थी। फैक्ट नंबर 12, मनोज कुमार बताते हैं कि भले ही जीनत अमान के विषय में कोई कुछ भी कह ले लेकिन मैं उसके समर्पण को सलाम करता
करता हूँ। फिल्म के एक दृश्य जिसमें उन्हें डायलॉग बोलते हुए एक खास शब्द पर आंसू गिराना था, उसकी शूटिंग के लिए जीनत जी ने खूब मेहनत किया था। आपको यहाँ यह जानकर हैरानी होगी कि जीनत जी ने इस दृश्य को पूरा करने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से दूसरे निर्माताओं के समय काटकर कुल 17 दिन दिए थे, जो कि उनके समर्पण को दर्शाता है। फैक्ट नंबर 13, मनोज कुमार ने जब इस फिल्म को बनाने की शुरुआती घोषणा की थी, उस वक्त उन्होंने फिल्म के एक महत्वपूर्ण भूमिका में महमूद साहब को भी लेने की बात की थी, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई और महमूद साहब से उनके न फिल्म में होने का कारण पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि मनोज मेरे काम से असुरक्षित महसूस करता है, कहीं मैं उस पे भारी न पड़ जाऊं। फैक्ट नंबर 14, साल 1975 में आयोजित 22वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को कुल 11 श्रेणियों में नामित किया गया था। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्टोरी के लिए मनोज कुमार, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए प्रेमनाथ, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए मौसमी चटर्जी और नहीं बस और नहीं तथा मैं ना भूलूंगा नामक दो गीत हेतु, बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए संतोष आनंद और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए क्रमशः महेंद्र कपूर और मुकेश तथा बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को ये नामांकन मिले थे। यह फिल्म इनमें से केवल 3 ही अवार्ड्स जीतने में कामयाब हुई थी। ये अवार्ड्स बेस्ट डायरेक्टर के लिए मनोज कुमार, बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए संतोष आनंद तथा बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए महेंद्र कपूर को हासिल हुए थे। फैक्ट नंबर 15, फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की कामयाबी को देखते हुए साल 1986 में इसे जीवना पुरातम नाम से तेलुगु भाषा में रिमेक किया गया, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में शोभन बाबू और रजनीकांत नजर आए थे। बताता चलूं कि इस फिल्म में मनोज कुमार साहब के द्वारा निभाई गई भारत की भूमिका शोभन बाबू ने तथा अमिताभ बच्चन के द्वारा निभाई गई विजय की भूमिका रवि नाम से रजनीकांत ने निभाई थी। तो ये थी मनोज कुमार की बेहद लोकप्रिय फिल्म रोटी कपड़ा और मकान पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।